जब मैं मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा था तो ये समझ में आ रहा था कि हमारे बॉडी की जो सिस्टम है, ब्लड की सिस्टम है, ऑर्गन की सिस्टम्स है, या जो भी हमारे जेनेटिकल पैटर्न्स है, पैरामीटर्स है, उनकी हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, उनकी चेकिंग करते हैं, ब्लड, एक्सरे, यूरिन, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई। तो उस बेसिस पे हम लोग निदान करते हैं कि इसको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, अर्थराइटिस है, कैंसर है, ये सारी चीज़ें। और जो भी हमें मेडिकली समझाया गया था कि या तो ये ऑर्गेनिज्म इसका कॉज है, जैसे अभी कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं, या ट्यूबरक्लोसिस भी है, या तो उसको कोई एक जेनेटिकल बीमारियाँ है कि भाई वारसागत आई है, पेरेंट्स के थ्रू उसको बीमारी आई है। लेकिन कभी भी हमने ये तभी सोचा नहीं था कि कारण क्या दूसरा हो सकता है क्या बीमारियों का। और जब मैंने नेचर की ओर, एक्यूप्रेशर, मेडिटेशन, योगा, इन साइंस के ऊपर मैंने रिसर्च शुरू की, तब मुझे पता चला कि कारण हमारे अंदर होता है। कोई बैक्टीरिया बाहर से कब आपके अंदर जाएगा? जब आपकी रोग प्रतिकार शक्ति कम होगी, जब आपकी इम्यूनिटी वीक होगी, जब आपका रेजिस्टेंस पावर वीक होगा, तब जाता है। ये कारण समझ में आया कि हमारी सोच सबसे बड़ी है, कि हम जैसी मान्यताएं लेके चलते हैं, जैसी सोच लेके चलते हैं, जैसी बिलीफ लेके चलते हैं, उसी आधार पे हम लोगों को जज करते हैं। तो सोच बदलनी जरूरी है। फिर मैं यूएस में जब गया, तब मैंने एनएलपी सीखी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, के सोच कैसे बदली जाए। तो मैंने वहां पे 25 टेक्निक सीखी थी, 2008 की बात कर रहा हूँ। उसके पहले तो मैंने काफी हीलिंग सीखी थी, काफी कुछ और भी सीखा था। लेकिन वहां पे सीखा गया था डॉक्टर टोनी रॉबिन्स ने कि आपको रिप्रोग्रामिंग करना है, आपके माइंड को रिप्रोग्रामिंग करना है और आपके ब्रेन को रीफ्रेमिंग करना है। तो जब आप माइंड को रिप्रोग्रामिंग करते हो तो आपकी बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाती है, और जब आपके ब्रेन की रीफ्रेमिंग करते हो तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाती है, आपके पैरामीटर्स बदल जाते हैं, आपके न्यूरो ट्रांसमिशन चेंज हो जाते हैं, आपके बॉडी में जो भी रसायन होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो आपकी सोच के वजह से सिक्रीशंस क्रिएट होते हैं। लेकिन अगर आपने सोच बदल दी तो वो सिक्रीशन भी चेंज हो जाते हैं। जैसे लोग डिप्रेशन में जाते हैं, एंजाइटी में जाते हैं, फियर बेस्ड होते हैं, फोबियाज होते हैं, उसमें वो कुछ केमिकल रिलीज करते हैं। तो मेडिकल साइंस ने क्या किया, वो जो केमिकल रिलीज होते हैं ब्लड में, उसके अगेंस्ट की एक मेडिसिन बना दी, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंजाइटी, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी डायबिटिक, मतलब अपोजिट वाली बना दी। समझ में आ रहा है कि नहीं? अपोजिट बना दी। लेकिन अपोजिट जब तक आप लेंगे तब तक आप ठीक हो। उस अपोजिट की दवाई आपने छोड़ दी तो आप वापस बीमार पड़ जाओगे। एबरेंट डायबिटीज की दवाई छोड़ दी तो शुगर बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर की दवाई छोड़ दी तो बढ़ जाएगा। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, वहां पे मुझे समझ में आया कि रिफ्रेमिंग, रिप्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट वेस्टर्न कंट्री वालों के लिए ठीक था, जो मैंने ऑरा में रिसर्च किया, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में ज्यादा इमोशंस पैटर्न नहीं होते हैं, वो सिर्फ लॉजिकली जीते हैं। इसलिए हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी जब मैंने डॉक्टर ब्रेन वाइज से देखा कि वो पिछले जन्म में ले जाते हैं, और जो भी उनका कोई एक लाइफ में एक्सीडेंट या ड्राउनिंग, पहाड़ से गिरना, ये सब होना, ये सिर्फ एफर्मेशन से उन्हें चेंज कर लेते थे और उन्हें बाहर निकाल देते, तो उनकी पैटर्न चेंज कर लेते थे, माइंड की पैटर्न, ब्रेन की पैटर्न चेंज कर लेते थे। लेकिन ये इंडियन कंट्री, ईस्टर्न कंट्री वालों के लिए नहीं है, क्योंकि ईस्टर्न कंट्री वाले बहुत से धार्मिक बिलीफ सिस्टम से चलते हैं, बहुत सी मान्यताओं से चलते हैं, राइट? तो वो मान्यताएं एफर्मेशन से नहीं निकलती। और इसलिए शायद मुझे लगता है इंडियन संस्कृति में काफी मंत्र बनाए गए, गायत्री मंत्र, ओम नमः शिवाय, मृत्युंजय चैंटिंग, बहुत से ऐसे अलग अलग नवकार मंत्र ऐसे बनाए गए थे, ताकि उस एनर्जी को लेके हम अपनी बिलीफ सिस्टम को तोड़े। डिफरेंस समझ में आ रहा है यहाँ पे? एक खुद के माइंड को चेंज करना, जो वेस्टर्न कंट्री वाले ने सिखाया। ईस्टर्न कंट्री वालों ने कहा कि मंत्र जाप करो, हवन करो, यज्ञ करो, कर्मकांड करो, और उस एनर्जी के बेसिस पे, उस एनर्जी के आधार पे आप अपने अंदर चेंजेस लाओ। डिफरेंस है कि नहीं यहाँ पे, राइट? अब तीसरी रिसर्च जो हमने की कि समझो अगर कोई इंसान पॉजिटिव नहीं सोच सकता तो उसका कुछ नहीं कर सकते। दूसरा इंसान,
जो धर्म में ही नहीं मानता है, कोई कर्मकांड में ही नहीं मानता है, जैसे आज की जनरेशन है, जो मंत्र को ही नहीं जानता है या मंत्र चैंट नहीं करना चाहता, तो आप मुझे बताइए हम उन लोगों के लिए क्या करें? What do you suggest? हम उनके लिए क्या करेंगे? क्योंकि ना तो वो पॉजिटिव एफर्मेशन बोलना चाहते हैं, वो अपनी मनमाजी मन मस्ती से जीते होते हैं, राइट? और उन्हें कोई धर्म से कोई लेना देना नहीं है, राइट? उन्हें कोई संस्कृति से कोई लेना देना, कोई परंपरा से कोई लेना देना नहीं है। हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? कभी सोचा है आपने? और इसी सिलसिले में मैंने करीबन ये पिछले 20-22 साल से जो मैंने रिसर्च की है, उसमें मुझे समझ में आ रहा है, आज के जनरेशन को हमें धार्मिक नहीं अध्यात्मिक बनाना है, रिलीजियस नहीं स्पिरिचुअल बनाना है, राइट? स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि लिव विद फ्रीडम बट लिव विद कंपैशन, लिव विद लव। और जब इंसान फ्रीडम से जीता है लेकिन प्यार से, वो किसी को हानि नहीं पहुंचाता, किसी को दर्द नहीं देता, तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट शरीर के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो हमने ऑरा की रिसर्च की, तब पता चला कि कुछ हीलिंग मॉडलिटीज होती है, जैसे प्राणिक हीलिंग, रेकी हीलिंग, करुणा हीलिंग, मैग्निफाइड हीलिंग, थीटा हीलिंग, साइकिक हीलिंग, ये ऐसी प्रकार की स्पिरिचुअल मॉडलिटीज है, जैसे सुदर्शन क्रिया है, राजयोग है, क्रिया योग है, या काफी ऐसी डायनेमिक मेडिटेशन है, चक्र मेडिटेशन है, कुंडलिनी मेडिटेशन है, ये सारी स्पिरिचुअल क्रियाएं हैं, इनको धर्मों से भी लेन देन नहीं है, समझदार है? तो हम पिछले काफी सालों से यंग जनरेशन को युद्ध को स्कूल्स में कॉलेजेस में जाके ये सारी स्पिरिचुअल क्रियाएं सिखाते हैं, ताकि जब उन्हें ये नहीं लगे ये बंदिश है, मेरे ऊपर कोई फोर्स करवा रहा है, मुझे कोई कंपल्शन में डाल रहा है, वो फ्रीडम से ये टेक्निक्स को अपनाते हैं। आज जब आर्ट ऑफ लिविंग में जाओगे, बहुत से यंग बच्चे जाते हैं, प्रभु कुमारी में बहुत से यंग बच्चे लोग जाते हैं, क्यों? क्योंकि फ्रीडम से उन्हें ये टेक्निक सिखाई जाती है। तो आपको नहीं लगता वो अच्छे से अपना पाएंगे? मेरे 2 लाख स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हीलिंग सीखी है, और वो बच्चे हीलिंग करते हैं। ये छोटे बच्चे भी यहाँ पे अभी जो आए हैं, ये अपने पेरेंट्स से बोल रहे थे कि सर का मुझे लेक्चर छोड़ना नहीं है, प्लीज मुझे ले जाइए, जबकि इनकी अभी एग्जाम चालू है, छुट्टियां भी है, लेकिन ये क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि इनके अंदर स्पिरिचुअलिटी की हमने सीड्स डाली, 2 साल से ये लोग हमारे टच में है। ऐसे काफी बच्चे हैं जो बंदिश में नहीं करना चाहते, आजादी से कुछ भी बोलो करेंगे वो। तो कुछ योग ज्ञान मुद्रा की मेडिटेशन है, अभी ये ब्रेथ की मेडिटेशन आपने बताई, राइट? ये सारी चीजें स्पिरिचुअल है, इसको कोई धर्म से लेना देना है? मुझे बताइए, मुझे बताइए। अगर आप अपनी सांस की पैटर्न चेंज करते हो, ब्रेथ की पैटर्न चेंज करते हो, तो क्या ये धार्मिक है? नहीं, ये अध्यात्मिक है। मैं पिछले अभी 7 दिन से योगा फेस्टिवल में इंटरनेशनल ऋषिकेश में रिसर्च करने के लिए गया था, वहीं से अभी यहाँ पे आ रहा हूँ, तो मैंने देखा ये फॉरेनर्स इतने क्यों आते, इंडियंस यहाँ क्यों नहीं आते परमार्थ में? जब अभी इंटरनेशनल, तब ये ऑरा की रिसर्च करते करते समझ में आया कि फॉरेनर्स को आप फ्रीडम से कुछ भी सिखा सकते हो, उनको आप धर्म की क्रिया से बंदिश नहीं बना सकते हो। तो आज हमारा जनरेशन वेस्टर्न कंट्रियों को फॉलो करता है, फॉरेन कॉन्सेप्ट से चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये केजी स्टैंडर्ड से लेके ये वेस्टर्न एजुकेशन हमारे अंदर डाला गया है। ब्रिटिश वाले जाने से पहले उन्होंने पूरा एजुकेशनल सिस्टम हमारे अंदर इसलिए डाला था ताकि हम उन्हें कंटिन्यूसली फॉलो करें। उन्होंने ये पैटर्न हमारे अंदर डाल दी है कि टाई पहनना, यूनिफॉर्म में जाना। हमारे गुरुकुल में तो ऐसा नहीं होता था, पहले के वेद के स्कूल में ऐसा होता था? मुझे बताइए, कुछ नहीं होता था। तो इसका मतलब कि हमें आज एजुकेशन तो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उसी के आधार पे MBBS है या इंजीनियरिंग है या एडवोकेशन, जो भी एजुकेशन है ये उसी के बेस के आधार पे है। लेकिन हम उसी एजुकेशन में एक अगर स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट को ऐड कर दें, तो आपको नहीं लगता उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी? चेंज हो जाएगी कि नहीं? मेरे कितने ऐसे यंग स्टूडेंट्स हैं जो क्रॉनिक अल्कोहलिक, क्रॉनिक स्मोकर या ये ड्रग एडिक्टेड थे, वो सारे लोगों ने छोड़ दी, क्योंकि मैं को नहीं कहता हूँ छोड़ दो, मैं सिर्फ इनकी ऑरा दिखाता हूँ, क्योंकि वो लॉजिकल माइंडेड है। वो कहते अरे इतना रेड कैसे आया मेरे ऑरा में, फिर ब्लैक कैसे आया? मैंने कहा क्योंकि आप स्मोक करते हो, इतना ड्रिंक करते हो। ओह मींस आई शुड लीव इट, बस बिकॉज हेल्थ कॉन्शियस तो है, उन्हें सिर्फ कोई लॉजिकली समझाने वाला चाहिए,
समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये ऑरा का जो साइंस है ये हमें अपनी प्रकृति को समझाने में मदद करता है, हमारी तासी समझने में हमें मदद करता है, हमारा नेचर, हमारा बिहेवियर, हमारा कैरेक्टर समझने में हमें मदद करता है। समझ में आ रहा है? हम सीटी स्कैन, एमआरआई, ब्लड रिपोर्ट तब करवाएंगे जब कोई बॉडी के सिम्टम्स रहेंगे, नहीं तो क्यों हम पैसे बर्बाद करेंगे इन सारी चीजों में? और यंग बच्चे क्यों करेंगे? 45 के नीचे मुझे नहीं लगता कोई ऐसे रेगुलर कोई अपनी टेस्ट करता होगा। करता है कोई टेस्ट? करता है? मैंने खुद भी नहीं किया आज तक, अब बिलीव नहीं कर रहे, खुद अपनी ब्लड टेस्ट कर भी नहीं करवाई। क्यों? क्योंकि कोई बीमारी नहीं, कोई सिम्टम्स में क्यों चेकिंग करवाऊं? लेकिन मैंने कम से कम 400 बार अपनी ऑरा फोटोग्राफी करवाई, हर 2-4-6 महीने अपनी ऑरा करता हूं, ये देखने के लिए कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है और मुझे कहां पे करेक्शन करना है, मेरे ब्रेथ पे, मेरे डाइट पे, मेरे एक्सरसाइज पे, मेरी लाइफस्टाइल पे, ये मुझे क्या चेंज करना है, ये मैं अपने आप को मॉनिटर करूंगा। क्योंकि अगर आप हेल्दी हो तो आप सब कुछ कर सकते हो, अगर आप हेल्दी ही नहीं हो तो आप मुझे बताइए क्या कर पाओगे आप? राइट? कितनी दवाइयों पे डिपेंड रहोगे या कितने अपने परिवार के सदस्यों पे डिपेंड रहोगे? कल अगर किसी को स्ट्रोक होता है, पैरालिसिस होता है, आपको नहीं लगता आप फैमिली पे डिपेंडेंट हो जाओगे? राइट और नॉट? तो ये हमारे समय समय के हिसाब से बॉडी की जो तासी बदलती है, इस तासी को मॉनिटर करना जरूरी है कि क्यों पहले मैं सब खा रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, आज मैं खाने से मेरा वेट बढ़ रहा है या शुगर बढ़ रहा है या ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है? मतलब आपकी शरीर की कुछ तासी चेंज हो गई। जैसे आप बाहर के वातावरण से ये कपड़े चेंज करते हो कि नहीं? क्या ठंड ज्यादा है तो मैं ज्यादा कपड़े पहनूं, गर्मी है तो मैं कम कपड़े पहनूं? तो जैसे बाहर के वातावरण को आप सेंस करते हो, चेक करते हो, इसी तरह आप अपने अंदर के वातावरण को भी पीरियडिकली चेक करना सीख लो, या तो मेडिटेशन से जो बुद्धा कर रहे थे, या तो ऑरा चेकिंग करके आप चेक कर सकते हो कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, क्या डाइट लेना चाहिए, कौन सी ब्रेथ एक्सरसाइज, कौन से प्राणायाम करने चाहिए, या कौन सी मुझे एफर्मेशंस देनी चाहिए, या कौन से मेरे लिए मंत्र अच्छे हैं जो मैं रेगुलर चेक करने से मेरी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आएगा। तो ये ऑरा एक ही ऐसी इन्वेस्टिगेशन में 13 कंट्रियों में रिसर्च करके देख चुका हूं, एक ही ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जिसमें आपको एक ओवरऑल पिक्चर आती है आपकी प्राणा की, आपकी सोल की, आपकी माइंड की, आपकी चक्र की, आपके ब्रेन की, आपकी बॉडी की और आपकी धार्मिक क्रियाओं की, हर चीज का एक ओवरऑल व्यू आ जाता है। तो बेस्ट है अगर एक पिक्चर में सब कुछ समझ में आ जाता है तो व्हाई नॉट टेक द हेल्प ऑफ इट। तो हमने करीब 36,000 लोगों के आज तक ऑरा किए हैं और हम ऑरा करने के बाद उन्हें गाइड करते हैं कि भाई क्या खाना कम, किसी का बॉडी पीएच लेवल ज्यादा एसिडिक है तो उनको अल्कलाइन फूड एडवाइस करते हैं, किसी की बॉडी ठंडी है तो उसको हम गर्म मेडिटेशन की, जैसे इन्होंने बताया सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करने की कुछ क्रियाएं बताते हैं, किसी की बॉडी बहुत ओवरवेट वाली है तो उसकी डिटॉक्सिफिकेशन कैसी करनी चाहिए उसकी हम कुछ क्रियाएं बताते हैं, अल्कलाइन फूड या फाइबर इंटेक के बारे में गाइड करते हैं। तो मैं यही चाहता हूं कि हमारे घर में जितने भी लोग हैं दे शुड बी हेल्दी। डोंट यू थिंक बचपन से लेकर मरने तक हमें हेल्दी होना चाहिए? हम सिर्फ वेल्दी बनने की कोशिश करते हैं और कुछ नहीं है, और ये वेल्दी बनने के चक्कर में हम स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्ट्रगल, सफरिंग ये बहुत कर लेते हैं। लेकिन ये सब चीज को निकालने के लिए हमें सिर्फ अपनी लाइफ में एक स्पिरिचुअलिटी को ऐड कर देना है और कुछ भी नहीं करना है, ओनली स्पिरिचुअलिटी को ऐड कर देना है। आप भले धर्म को फॉलो ना करें, आप बाइबल ना पढ़े, समझो कुरान नहीं पढ़ते, अगर आपको नहीं बिलीव है, या भगवत गीता नहीं पढ़ते, ये आपकी चॉइस है, पढ़ोगे तो बेस्ट है, उसकी जैसी कुछ नहीं है, लेकिन नहीं है तो एटलीस्ट आप स्पिरिचुअलिटी को तो आप अपना सकते हो कि नहीं? एंड स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग बट अ सिस्टम ऑफ लिविंग द लाइफ विद लव, विद लाइट एंड विद फ्रीडम। लव, लाइट एंड फ्रीडम इसे स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। आज हम यहाँ पे आए, हम घूम भी सकते थे बाकी यात्रियों के जैसे, लेकिन हमें लगता है अगर हम आए हैं मसूरी तो एक घंटा सही हम किसी को तो हेल्पफुल हो जाए, राइट? कहीं तो हम किसी को हेल्प करें, जो ज्ञान हमने पाया, जो रिसर्च हमने की है, किसी को तो हम हेल्प करें, क्योंकि आप लोगों की ब्लेसिंग से ही तो हमारा काम आगे बढ़ने वाला है। तो ऐसे आज तक हमने 9,000 सेमिनार्स किए, हम देहरादून की जेल में रेगुलर जाते हैं, वहां के कैदियों को भी ये सिखाते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं और जेलर उन्हें रिलीज करते हैं। हम ऐसे कई जगहों पे जाते हैं, हम आर्मियों में जाते हैं, अब कहीं पे हम लोग बच्चों के आश्रम में जाते हैं,
तो उन्हें भी ये मेडिकेशन सिखाते हैं। हम पिछले बार हैदराबाद के HIV आश्रम में गए थे, गोवा के एक यहाँ पे जेल में गए थे। तो हम ऐसे जगहों पे जाते हैं जहाँ पे कोई उन्हें समझाने वाला नहीं है, सिर्फ पनिश करने वाला है। हमें किसी को पनिश नहीं करना, हम लाइफ पनिशमेंट के लिए नहीं आए हैं। Have you come to take a punishment? मुझे बताइए कि कोई आपका गॉल ब्लैडर निकाल देता है, कोई आपका अपेंडिक्स निकाल देता है, कोई टॉन्सिल्स निकाल देता है, कोई आपकी बाईपास सर्जरी करता है, are you here to go through this punishment? मुझे बताइए, नहीं। आपकी कुछ गलतियां हुई जिसके वजह से आप बीमार पड़े, उस गलतियों को समझ लो, उस कॉज को समझ लो और उस कॉज को निकाल दो। आपने उस कारण को निकाल दिया तो इफेक्ट भी निकल जाएगी, राइट। अब यहाँ पे आप सब खिड़कियां खोल दो, सब दरवाजे खोल दो, इतनी हवा आएगी, और ये आपने हीटर लगा के रखा है, कोई फायदा है? नहीं है। तो कॉज क्या है? ये खुला है इसलिए। तो जैसे आपने खिड़कियां दरवाजा बंद की तो टेम्परेचर बढ़ गया। So work on the cause, don't only just work on effect. Medical system अच्छी है जहां हमें effect को normalize करना है, parameters को normalize करना है कि भाई हमें 350 diabetes नहीं जाने देना है, 350 blood pressure नहीं जाने देना है, तब medicines की जरूरत है, तब surgery की कहीं जरूरत है। लेकिन long term अगर आप देखें, आपके जो lifestyle है उसी में आपको change करना होगा। You can't just depend on medicines for life long. दवाइयों के गुलाम मत बनिए। जो गलतियां हमने करी है आहार विहार विचार व्यवहार में, उसी गलतियों को हमें सुधारना है, और कुछ बड़ी चीजें नहीं करनी है। मैं कोई बड़ी क्रियाएं आपको नहीं बताता हूँ। आप सुबह से रात तक सिर्फ आधा घंटा अपने लिए निकालो और अपने आप को पूछो कि यार मैं इतना खा रहा हूँ, ये मेरे लिए जरूरी है? मैंने इतने उसको ताने मारे, इतने उसके बारे में विचार किए, क्या वो विचार उसके लिए करना जरूरी है? कोई फायदा है मैं इतना सोच रहा हूँ उसके बारे में? नहीं। क्यों उसके बारे में इतना सोचू, राइट? उसको मैं इतने ताने दे रहा हूँ, कोई फायदा है? नहीं। फिर मैं क्यों ताने दूँ? ये शब्द, थॉट्स एंड इमोशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तरंगे जो मैं यूनिवर्स में छोड़ रहा हूँ, वो तरंगे वापस मेरे अंदर आ रही है, तो हार्म किसको हो रहा है? मुझे तो हो रहा है ना, क्योंकि नेचर का नियम है जो फेंकोगे वो वापस आएगा। जो दुख दर्द आप दूसरे को देते हो, कोई ना कोई आपको देगा, जाएगा कहाँ? इट्स लॉ ऑफ नेचर, इट हैज टू बैलेंस, इट हैज टू न्यूट्रलाइज। गर्मी बढ़ती है तो बारिश आती है, ये नेचर का लॉ है, राइट ना? समझ में? तो हम अपनी लाइफ समझने की कोशिश करें। आपको आपका शरीर मिला है, आपके पेरेंट्स ने दिया है, आपको आत्मा मिली है, परमात्मा ने दिया है, पूरा अभ्यास उसी के ऊपर करो। मैंने ग्राफोलॉजी की स्टडी की, न्यूमरोलॉजी की स्टडी की, एस्ट्रोलॉजी की स्टडी की, जितनी भी 125 थेरेपियां सीखी है आज तक, सब मैंने अपने पे अप्लाई की। मैंने पास्ट लाइफ रिलेशन सीखा तो मैंने अपनी 113 लाइफ देखी है, और जहां जहां पे मैंने लाइफ देखी उसको मैंने वेरीफाई किया, ये समझने के लिए कौन सी लाइफ में मैंने क्या अधूरा छोड़ा था, या कौन सी लाइफ में मैंने क्या गलतियां की थी, क्या मैं वो गलती आज भी तो नहीं कर रहा हूं, तो मैंने उसको करेक्ट किया। समझ में कि नहीं? जिंदगी आपकी अपनी किताब है, आपको अपनी किताबों का अभ्यास करना है। लाइब्रेरी में तो बहुत किताबें दूसरी मिलेगी, उनका अभ्यास से इंफॉर्मेशन मिलेगी, नॉलेज मिलेगी, आपके अंदर बदलाव नहीं आएगा। आएगा मुझे बताओ? Don't you think you have to work on yourself? 100%? कोई भी है, मेरा बड़ा भाई कार्डियोलॉजिस्ट है न्यू जर्सी में, वो पिछले 20 साल से वहां पे है, लेकिन वो इतना डाइट फॉलो करता है, रोज का करीबन हाफ एन आवर 45 मिनट्स एक्सरसाइज योगा सब करता है, he's fit। उसने कभी आज तक एक क्रोसिन मेटासिन भी नहीं खाया। 10 साल इंडिया में था, उसके बाद 20 साल से वो यूएस में, बिल्कुल नहीं। जब भी इंडिया आता है सब बोलते तो इतना फिट कैसा है, बोले बस मैं मेंटेन करता हूँ, कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, कभी सिगरेट नहीं पी, बिकॉज़ इज मेंटेनिंग। तो हम दोनों भाई 95 से हम यही काम कर रहे हैं, नॉट 95, 93 से यही काम कर रहे हैं कि हम अपने आप को मॉनिटर कर रहे हैं और हम लोगों को गाइडेंस दे रहे हैं, राइट। तो आई होप कि आज आपने थोड़े बहुत जो भी यहाँ पे समझ में आया उसको आप अपनी लाइफ में अपनाओगे, जो भी ब्रेथ की पैटर्न आपको बताई है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिली है। बाकी ऑरा की गाइडेंस के लिए हम तैयार हैं, जब भी आपको लगे आपका ऑरा करना है हम हेल्प करेंगे। आपको फैमिली का किसी भी मेंबर का आपको ऑरा करना है, समझना है, आपको जस्ट उनकी फोटो क्लिक करके हमें व्हाट्सएप ईमेल करना है, हम 7 डेज में उनका रिपोर्ट भेजेंगे, और जो उसमें इंस्ट्रक्शंस आएंगे कि भाई इनको ये डाइट चेंज करना है या इसका ये अफर्मेशन उनको रिपीट करना है क्या, तो वो अफर्मेशंस हमें हीलिंग के लिए, हमें रीप्रोग्रामिंग के लिए यूज करना होगा।
लाइफ इज वेरी सिंपल, लेकिन हम उसको कॉम्प्लिकेट बनाते हैं और कुछ भी नहीं है, राइट। मैं जब भी यहाँ मसूरी में, ये मेरा सिक्स्थ विजिट है, मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ, मैं सोचता हूँ कि टूरिस्ट के लिए यहाँ बहुत सी चीजें हैं घूमने फिरने के लिए, लेकिन हेल्थ के लिए यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि जहाँ पे लोग फ्री है तो चलो कहीं पे बैठ के सुने कि भाई हमें क्या चेंज लाना है। सुबह हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे जहाँ होटल में थे, तो एक फैमिली वहां पे बैठी थी और वो हमारी बातें सुन रही थी, तो बाद में हमने उन्हें बताया कि भाई हम ये करते थे, वो इतने खुश हो गए, अच्छा अच्छा हुआ, चलो आज हमें यहाँ मसूरी में ये नॉलेज मिला, जबकि वो भी बॉम्बे के, हम भी बॉम्बे के, लेकिन कभी हम मिले नहीं, हम जानते भी नहीं वो कौन है। See, this is how, you know, आप अगर आपका माइंड खुला है ना, आपको कहीं से भी हमारे जैसे हजार लाख लोग मिलेंगे, लेकिन अगर आप चेंज होना नहीं चाहते तो पास में बैठ के डॉक्टर साहब भी 24 घंटा बैठेंगे ना, तो भी आप उनका ज्ञान नहीं ले पाओगे, नॉलेज नहीं ले पाओगे। फर्स्ट ओपन योर माइंड एंड ओपन योर हार्ट टू लीव योर लाइफ, ये दो चीज हमेशा ध्यान में रखो। इज इट ओके? सो एनी क्विक क्वेश्चन बिफोर आई एंड? ओके, तो आज हमारे कुछ यहाँ कार्यक्रम ये है कि हम कुछ और करने वाले हैं, किसी कुछ लोगों का पिछली बार किया उन्हें गाइड करेंगे, कुछ नए लोगों को करवाना है वो हम करेंगे, उसके बाद अगर किसी को मेडिटेशन सीखनी है या हीलिंग सीखनी है तो डेफिनेटली हमारी टीम आपको हेल्प कर सकती है, राइट। क्योंकि शाम में हमारी फ्लाइट है, हमें बॉम्बे आज रिटर्न जाना है, तो हमने ये सोचा कि जितना भी समय हमारे पास है अगर यहाँ पे हेल्पफुल होता है तो इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है। ऊपर वाले ने इतनी कृपा की है हमारे ऊपर कि 125 थेरेपियों की नॉलेज दी है, तो हमने अगर एक दो थेरेपी की भी नॉलेज, जैसे अभी आपको योगा मेडिटेशन की नॉलेज दी, तो उससे बड़ी और चीज क्या हो सकती है। इज इट ओके? थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों का साथ मिला, थैंक यू। मुझे 3 साल लगे और समझने में, क्योंकि हमारे मेडिकल कॉलेज में ये सब्जेक्ट नहीं था, एग्जैक्टली, इसलिए आज हम स्पेशली इसलिए है कि पिछली बार जिनका भी हमने किया था आज हमें उनको 1-to-1 समझाना है। हम तो स्पेशली ये, क्योंकि अगर आपको कोई सोनोग्राफी की फिल्म भी दे दे, आपको फिल्म क्या समझेगी? कोई एक्सरे फिल्म भी दे दे क्या समझेगा? अगर मैं आपको कहता हूँ ब्लड रिपोर्ट भी अगर आपको कोई दे दे तो आपको क्या समझेंगे? कुछ नहीं समझ में। आपको कंसल्टेशन तो करना होगा ना जिसने भी आपको इन्वेस्टिगेशन करवाया है, राइट। अनफॉर्चुनेटली क्या है कि हमारे यहाँ कोई सेंटर नहीं है, इंडिया में हमारे 80 सेंटर्स है जहाँ पे हम ये रेगुलर फॉलोअप सेशंस लेते हैं और ऑरा के बाद उनको कंसल्टेशंस करते हैं, लेकिन हमारा यहाँ कोई सेंटर नहीं, इसी चक्कर में हमें वापस यहाँ दोबारा आना पड़ा। ये हमारा कमिटमेंट आप लोगों से था कि हम आपको 100% सर्विस दें, ऐसे नहीं किसी ऑरा की रिपोर्ट भेज दी हमने, है ना। और फोन पे भी हम ज्यादा नहीं समझा सकते हैं, अब आप यहाँ पे आए हो तो हम सामने 1-to-1 बैठेंगे और आपको समझाएंगे। फिर आपकी इच्छा है कि आप अपनी लाइफ में चेंजेस कब से शुरुआत करना चाहते हो, चाहे तो इस पल से करो, चाहे तो आप थोड़ा टाइम लो और उसके बाद करो, इट्स योर चॉइस एंड योर विश। सर ऐसा है, हाँ, जैसे हमने नेचुरोपैथी योगा आईटी सेंटर है, वो डॉक्टर नीरज जी है यहाँ पर, वो उनकी असिस्टेंट हैं संगीता बेटी, ये हमारा ऑफिस है पिछले 7-8 साल, तो मेरी आपसे प्रार्थना है, मुझे रिक्वेस्ट टू यू एंड टू योर टीम, अगर आप मुनासिब समझे कि भी आप ऋषिकेश आते हैं, देहरादून आते हैं, ये बेटियाँ इतनी डेडिकेटेड हैं, कोई पी एच डी कर रही है कोई, तो आप इसको अपना सेंटर तो बहुत अच्छा रहे, इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। अगर आप ठीक समझे, नहीं 100%, देखो क्या है, कहीं हमने सीड्स डाले और अगर हमने उसको नर्चरिंग नहीं की तो फ्रूट्स आएंगे कहां से। हमने यहां पे सीड्स तो डाले हैं, हर बार हम आते हैं, ये हमारी 6th विजिट है, पिछली बार हमने 5 दिन का यहां पे मसूरी रेसिडेंसी रिट्रीट में रेसिडेंसी होटल में रिट्रीट की थी 5 दिन की, तो 70 लोग हमारे साथ आए थे, ऑल ओवर इंडिया और कुछ अब्रॉड से आए थे, लेकिन वो फिर क्या था, आउटसाइडर्स थे, लोकल कोई नहीं थे, और हम तब से चाहते थे कि यहाँ लोकल पब्लिक में भी ऐसा नॉलेज चाहे, लेकिन उसके लिए जगह चाहिए, जगह है, विदाउट मदर अर्थ यू कैन नॉट ग्रो, अगर आपकी ये जगह है सर, ये एक तो ये जगह है, वेरी नाइस, में है, यस। अच्छा, दूसरे यहाँ एक बलाड़ू जगह है, हाँ, हाँ। यहाँ से 6 किलोमीटर, राइट राइट, तो वहाँ माइसेल्फ माय वाइफ लिए, ओके ओके, तो वो she had the rooms also, oh, very nice. homestay, very good. भी बड़ा वो है, okay. और हमारा जो अपना cottage है वो भी बड़ा spacious है, very nice. तो अगर आप किसी दिन आपके पास समय हो, sure, sure. तो या ये हमारी टीम तो है, आ जाके देख लेंगे, तो ये देख सकते हैं, exactly, तो we can, you know, yes, yes. make use
of this nature, yeah, nature देखो दो चीजें, एक तो आपकी यहाँ जो लोकल पब्लिक रहती है उनके लिए तो अच्छा हो ही जाएगा, लेकिन बाहर से जो घूमने आती है, जो थोड़ा अपने शेड्यूल से बाहर टाइम निकाल के यहाँ पे आती है, अभी मॉल रोड पे घूमने के बाद उनके पास रहा क्या, कुछ भी तो नहीं है। तो ऐसी अगर आपकी जगह होगी जहाँ पे इन्हें कोई हेल्थ इंफॉर्मेशन या मेडिटेशन सेंटर होगा, तो हो सकता है चलो एक बार आ भी जाए तो उनकी एक लाइफ स्टाइल बदल जाएगी, कुछ तो सीट्स लेके जाएंगे, कुछ तो परिवर्तन लेके जाएंगे उनके अंदर, और जिनके बाद याद रहेगा कि अरे मसूरी गए और वहाँ पे कुछ हमें ऐसी नॉलेज मिली। नहीं ऐसे आप आज जो है ना झाड़ू जरूर चले पांच इट विल बी फ्रूटफुल वेरी गुड अगला प्रोग्राम बनाया हम यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट करके।